हेलो फ्रेंड्स, अलीपुर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ भारतीय क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनेशन में अक्सर एक से दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जरूर, कि किस तरह से कौन सी समिति किसने बनाई थी और कौन इनके संस्थापक थे, यानी कि जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय पर कुछ समितियां बनी थी, कुछ एसोसिएशंस बनी थी। ठीक है ना, उन एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। और कुछ धार्मिक समाज हम लोगों के उसी समय में बन के आए थे जब पुनर्जागरण का समय था, राजा राम मोहन राय ने पुनर्जागरण स्टार्ट किया था भारत के अंदर, तो उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी। व्यायाम मंडल, देखिए व्यायाम मंडल के नाम से कोई एक संस्था थी हमारी जिसकी स्थापना किसने की थी, चापेकर बंधुओं ने। ठीक है ना, ये चापेकर ब्रदर्स थे, भाई थे दो, चापेकर बंधु। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, ये थे सावरकर बंधु। सावरकर से बंधु मतलब विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर का नाम सुना होगा ना, तो वीडी सावरकर थे इसके स्थापक, संस्थापक किसके, मित्र मेला के। ठीक है, तीसरी समिति थी हमारी अनुशीलन समिति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुशीलन समिति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिदनापुर वाली अनुशीलन समिति। देखिए दो अनुशीलन समिति हैं, एक मिदनापुर में बनी थी और एक ढाका में बनी थी, तो मिदनापुर वाली जो अनुशीलन समिति थी उसके संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बोस। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, कौन सी, मिदनापुर वाली अनुशीलन समिति। फिर आगे आते हैं हम लोग, एक है अभिनव भारत, प्रश्न नंबर 4 में मैंने लिया है अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, ये थे वीडी सावरकर, वही सावरकर बंधुओं में से एक, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ओके, प्रश्न नंबर 5 पे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति इसकी स्थापना किसने की थी, अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना, अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, अनुशीलन समिति ढाके में जो बनी थी, देखिए मिदनापुर में जो बनी थी उसकी स्थापना किसने की थी, ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने, और जो ढाका में बनी थी उसकी किसने की थी, वारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति ऑफ ढाका, यानी ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है प्रश्न नंबर 7 में, भारत माता समाज की स्थापना किसने की थी, भारत माता समाज। ठीक है, भारत माता सोसाइटी, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद थे, ये दो लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कौन कौन, अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद। भारत माता समाज की स्थापना करने वाले कौन कौन थे, अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी इसकी स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल, एस एन सान्याल भी लिखा जाता है, कई किताबों में लिखा जाता है एस एन सान्याल, एस एन सान्याल मतलब सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। फिर भारत नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने देखिए एक ही सोसाइटी बनाई थी जिसकी स्थापना, यानी जिसके संस्थापक कौन थे, भगत सिंह, क्या नाम था उसका, भारत नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा भगत सिंह की बनाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वो संस्था जिसका बाद में, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी जो थी ना, ये तो बनाई थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और बाद में चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बहुत नाम है और बहुत बार पूछा भी जाता है, HSRA है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद। देखिए ये तो थी हमारी वो समिति, ये उस समय क्रांतिकारी संगठन थे जो कि भारत में कार्यरत थे। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी संगठन थे जो भारत के बाहर यानी विदेशों में कार्यरत थे। ठीक है, आइए उनके बारे में आपको बताता हूँ, उनमें से भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट समिति है या जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में बातें कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने इसमें लिया है किसको, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी जिसको इंडिया हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है हमारा अभिनव भारत, लंदन में,
अभिनव भारत की लंदन में स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। देखिए वही विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने अभिनव भारत की स्थापना भारत में की थी, उन्होंने ही लंदन में भी अभिनव भारत की स्थापना की थी। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर। देखिए याद कैसे की जाती है, ज्यादातर आप दो चार बार रिपीट कर लीजिए इसी को, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत, ऐसे आप दो चार बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना कहां पे हुई थी? लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना कैलिफोर्निया में हुई थी, यूएसए कैलिफोर्निया में, तारकनाथ दास ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस किस नाम से थी? इंडियन इंडिपेंडेंस किसने की थी? तारकनाथ दास। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बर्लिन में हुई थी, बर्लिन में, और किसने स्थापना की थी इसकी? लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, किसने की थी? लाला हरदयाल एंड वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, स्थापना करने वाले कौन थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन में स्थापना हुई, किसने की? लाला हरदयाल। ये वही लाला हरदयाल है जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया। हाँ, ये मैंने लिया था क्वेश्चन नंबर 14। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये कामाटा गमारू वाली जो घटना हुई थी वो भी यही गदर पार्टी के जो संस्थापक थे इन्हीं के साथ हुई थी ना, लाला हरदयाल, कामाटा गमारू, याद होगा आपको। तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले भी कौन थे? लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को। कई बार पूछा जा सकता है ये गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी या गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। इन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये 15 हो गई। आइए हम लोग अगले कुछ और देख लेते हैं जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको और आगे बढ़ा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 16 में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और सरकार के नाम से, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और सरकार के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। राजा महेंद्र प्रताप कहां पर की थी? ये काबुल में। ठीक है, हम उन्हीं समितियों को देख रहे हैं जो भारत के बाहर बनी यानी अब। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्रांतिकारी संगठन जिनको कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय पर बनाया गया था, और मैंने उनके संस्थापकों के बारे में बात की। आइए कुछ ऐसे ले लेते हैं अब हम लोग जो धार्मिक संस्थाएं थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, कुछ भारतीय संस्थाएं भी बनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए उसमें सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, जिनको कि मॉडर्न इंडिया का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इन्होंने ही नवजागरण शुरू किया, पुनर्जागरण, नवजागरण, चाहे आप जिस तरह से नाम दे लें। तो बहुत बहुत बड़ा योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी और भारतीय समाज के आज के इस मतलब आधुनिक भारत में भी काफ़ी ज़्यादा रोल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना, तो किसकी स्थापना की उन्होंने? ब्रह्म समाज की। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसी के नाम पर फिर बाद में इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी की पत्रिका। तो आइए अगला देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज से ही हटकर बाद में एक समाज बना था नया जिसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज भी इसको कहा जाता था, भारतीय ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। फिर राजा राम मोहन राय के बाद यही ब्रह्म समाज के टुकड़े होने शुरू हुए, तो उनमें सबसे पहले जो एक समाज बना ये आदि ब्रह्म समाज, उस आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। आइए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, वेद समाज। वेद समाज नाम का जो समाज था इसकी स्थापना की थी के धरालू नायडू, वी राजगोपाल चारलू, ये दो लोग थे, के धरालू नायडू और वी राजगोपाल चारलू। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है, तो के धरालू नायडू और वी राजगोपाल चारलू, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? वेद समाज की। आइए अगला देखते हैं, प्रार्थना समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किस समाज की? प्रार्थना समाज। नेक्स्ट है परमहंस मंडली सभा, परमहंस मंडली सभा, गोपाल हरि देशमुख, ये वही हैं गोपाल हरि देशमुख जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से पुकारा जाता है इनको? लोकहितवादी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने परमहंस मंडली सभा और इन्हीं के साथ में मिलकर के बालकृष्ण जयकर और दादोन पांडुरंग, ये तीन लोग थे, गोपाल हरि देशमुख, बालकृष्ण जयकर और दादोन पांडुरंग, जिन्होंने मिलकर के परमहंस मंडली सभा की स्थापना की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। अगला है रामकृष्ण मिशन, ये दो तो सभी जानते हैं, रामकृष्ण मिशन किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, हालांकि न्यूयॉर्क में बनी थी लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी, मैडम ब्लावर्सकी और जनरल ऑलकॉट ने की थी, और जो एनी बेसेंट थी वो बहुत बड़ी थियोसोफिस्ट थी, ठीक है, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का काफी बड़ा समर्थन कौन करती थी, एनी बेसेंट भारत में, तो मैडम ब्लावर्सकी और जनरल ऑलकॉट, याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावर्सकी एंड जनरल ऑलकॉट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, ये भी राजा राम मोहन राय ने की थी, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। अगला है दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, ठीक है ना, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्यशोधक समाज, कई बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन और आने की फुर संभावना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले। अगला है आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने क्या की थी, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो एक तो आर्य समाज था, एक आर्य महिला समाज, तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, पंडिता रमाबाई ने। ठीक, और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने। एक आखिरी बचा हमारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के नाम से, ये महादेव गोविंद रानाडे ने इसने भी इसको भी स्टार्ट किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने ही ये भी इसकी भी स्थापना की थी। ठीक है ना, महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, पूना सार्वजनिक सभा भी, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन भी, और सत्यशोधक समाज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना भी किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने। देखिए ये जो 30 क्वेश्चन है इनमें से एक आध क्वेश्चन तो कम से कम किसी भी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, आप एक जगह सारी चीजों को याद कर लें बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और देखिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह बना करके अपलोड करते रहें, ताकि आप लोगों को भी फायदा पहुंचता रहे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई और कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।